करूं? अरे तपो, तू इतने आराम से कैसे बैठ सकती है? अरे देखा ना तूने, बड़ा लाकेट पिना करके ना लल्ला को मैं अपने वश में कर रही हूँ। अरे उसने धोबी पछाड़ मार दी बिंदिया ने, पता नहीं अब मारे लल्ला के साथ क्या करेगी। फिक्र ना करो जीजी, अभी फिलहाल हमने अभय को अपने साधना कक्ष में और तुमने बिंदिया को उसके अपने कमरे में अलग अलग रखा हुआ है ना? हाँ। अबे जी, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे कहाँ करें। हम कुछ नहीं करेंगे बिंदिया, हम अब ये देखेंगे कि उनका अगला कदम क्या है। हमारा अगला कदम ऐसा होना चाहिए कि बिंदिया को संभलने का मौका ही ना मिले, मिट्टी में मिल जाए वो। कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हैं, बहुत बड़ा। बड़ा सोच रहे हैं? ऐसा क्या सोच रहे हैं? पर हम सीधे से उनका भांडा काहे नहीं फोड़ देते, इतना इंतजार काहे कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सबके सामने तुम्हें बदनाम किया है बिंदिया। लोगों को लगता है कि तुमने भक्तों को प्रसाद में जहर मिलाकर खिलाया है, देवी माँ का अपमान किया है। अरे तपो मासी ने जनता को तुम्हारे खिलाफ किया है बिंदिया। अब हमें कुछ बड़ा करना होगा ताकि जनता के सामने तुम्हारी छवि सुधर जाए। पर कैसे? आज पूरे लखनऊ में नलों से खून बहा, क्या ये किसी प्रलय का संकेत है? आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से इस बारे में। सीधी सी बात है, प्रभु नाराज हैं शहर से। अब इस प्रदेश में शैतान का शासन होगा तो प्रलय नहीं आएगा क्या? अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि लोग मार्च करते हुए अंतरिम सीएम के घर की तरफ जा रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अरे कुछ भी बोले जा रही है, हाँ? हमको नहीं मार खाना है तो हमें खाना है का? अरे अम्मा का? हम अभी भी कह रहे हैं तपो माँ को वापस बुला लो स्टूडियो से, नहीं तो इस बिंदिया के चक्कर में हम सब पिटेंगे। भीड़ किसी छोटे बड़े को नहीं देखती। तुम चिंता मत करो बिंदिया, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। तुम कुछ भी करके जल्दी से कमरे में जाओ, मैं चुपके तुमसे मिलने आऊंगा, ठीक है? वाह, हमें जिस बात का शक था वो तो टप्पो मां ने टीवी पर ही बोल दी। अंतरिम मुख्यमंत्री पर किसी का साया है। जब बिंदिया के अंदर वो शैतान का साया है अम्मा, तो बिंदिया को घर से बाहर निकालो ना। का शैतान शैतान की बात कर रही है? नहीं नहीं रुंजन दीदी, ऐसा मत बोलिए, हम सही कह रहे, हमने अंदर कौनो शैतान ना। रुंजन पर पीछे से बात करो। नंदोई जी, हम सच कह रहे, हमने अंदर कोई शैतान ना, हमारी बात का विश्वास करिए। पीछे हो जाइए। हम क्या करें, हमली तो कोई बात ही नहीं सुनता। सुन रहे ना बिंदिया बहू, देख सुनाई तो दे रहा है। भोलेनाथ सबके साथ। हाँ हाँ, भोलेनाथ सबके साथ। ओम शांति। अरे प्रणाम प्रणाम टप्पो बाबा। अभी जी कैसे आएंगे हमारे पास? टप्पो माँ आने देगी कहाँ उनको? अरे टप्पो माँ, तुमने ना टीवी पर
बिंदिया बहू को सबके सामने शैतान घोषित कर दिया। अरे जनता अगर यहाँ धमक पड़ी तो तोड़ फोड़ हो जाएगी। अरे सिस्टर कुछ नहीं होगा। बिंदिया कहाँ है? रोते रोते अंदर भाग गई है कमरे में। कुछ करिए आप। अब तपो वहां कुछ तो अबे अबे अरे अरे भैया जी पकड़िए। अरे बिठा दो। बैठिए। क्या हो गया भाई? नल्ला को क्या हो गया? सर फटा जा रहा है माँ। अरे क्या हो रहा है? अरे अरे क्या हो रहा है? हमारे नल्ला को क्या हो रहा है? शांत जुबली कुछ नहीं होगा उसे। हमारे कक्ष में लेके जाओ, थोड़ा आराम करेगा, अच्छा लगेगा उसे। भैया जी जल्दी ले जाइए। आराम से लेकर जा लल्ला को। तपो हमारे लल्ला की हालत वो तुम्हारे सम्मोहन के कारण तो ना हो रही है ना? हमें बता दो। जी जी कितनी बार एक ही बात कहें, अभय को कुछ नहीं होगा। तपो लल्ला को क्या हुआ है देख ना जरा। अरे अम्मा मौसी से क्या पूछ रही हो? ये उसी प्रेत आत्मा का असर है जो बिंदिया के ऊपर है। प्रेत आत्मा? जला दो जला दो जला दो सारा। जला दो जला दो जला दो जला दो जला दो। जुबली इसे आराम करने दो, तुम जाओ। तपो लल्ला की ऐसी हालत वो वशीकरण के इसे आराम करने दो, ये ठीक हो जाएगा। और ये जो बार बार बोल रहा है इससे हमें कुछ सूझ रहा है। जीजी सूझ रहा है का? हम नहीं समझे। आओ आपको देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा, लेकिन सुनो बिंदिया हमारे पास वक्त बहुत कम है। टपो माँ ने टीवी पर जो बयान दिया है उसके बाद बहुत लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। फिर क्या सोचा आपने? बिंदिया तुम्हें जल्दी चिता पर बैठना होगा। विद्या सरकार अब से नए समय पर सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर।